नोज की फिजियोलॉजी को पढ़ने के बाद अब हम टंग की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। टंग फिजियोलॉजी में जो टेस्ट सेंसेशंस होते हैं वह एक प्रकार का केमिकल सेंस है। इससे पहले हमने आई, ईयर, नोज इन सब के बारे में पढ़ा, तो वो जो सेंसेशंस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सेंसेशंस होते हैं। जो मैसेज ट्रेवर्स होता है या ट्रांसफर होता है वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में है। ये सेंसेशन केमिकल सेंसेशंस होते हैं। टेस्ट बड रिसेप्टर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं टंग के अंदर। टेस्ट बड्स, ये टेस्ट बड्स मोस्टली प्रेजेंट होते हैं टंग के पेपिला पार्ट में। जो पेपिला है वो अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग एरिया में प्रेजेंट होते हैं टंग के अंदर। जैसे अगर आप टंग को डिवाइड करें तो ये जो पार्ट है ये एंटीरियर टू थर्ड कहा जाएगा। आगे का जो हिस्सा है वो एंटीरियर टू थर्ड कहा जाएगा और पीछे जो है वो पोस्टीरियर वन थर्ड होता है। तो यहाँ अलग 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 जो टेस्ट बड्स होते हैं जो कि पेपिला के अंदर प्रेजेंट हैं, मिड लाइन पे अलग होंगे, इधर अलग इधर अलग। इसलिए हमें अलग अलग जो टेस्ट का अनुभव होता है, कड़वा, खट्टा, मीठा, वो अलग अलग पार्ट में ही होता है। सबके लिए न्यूरल मैकेनिज्म, नर्वस सिस्टम का जो काम है वो अलग होता है। मैसेज अलग जाएगा कि मीठा अगर आपने खाया है उसके लिए सेंसेशन टंग के अलग पार्ट में। कई बार ऐसे पेशेंट हमें मिलते हैं जो पार्शियली पैरालाइज्ड होते हैं, कंप्लीट पैरालिसिस नहीं है। मान लीजिए कि किसी को टंग के पर्टिकुलर एक नर्व का सेंसेशन नहीं जाता है, ठीक है, जो कि सप्लाई करती है टंग के एंटीरियर हाफ में इधर। तो अगर यहां पर टेस्ट बड जो है वो मीठे के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, स्वीट के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, तो ये सेंसेशन आगे ब्रेन तक नहीं जाएंगे। पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि जी हमें मीठा खाते हैं तो पता नहीं लगता है, बाकी सभी चीजों का अनुभव हो रहा है। तो स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड पार्ट का फिजियोलॉजी आपको पता होना चाहिए कि इस टंग के इस पर्टिकुलर पार्ट का फिजियोलॉजी क्या रहेगा। ठीक है, वही हम आज देखेंगे। तो देखिए, जो पेपिला है वो पेपिला तीन टाइप के होते हैं, एक सर्कमवेलेट पेपिला, एक फंजी फॉर्म पेपिला और एक फिली फॉर्म पेपिला। सर्कमवेलेट पेपिला जो वी शेप के होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा टेस्ट बड्स होते हैं, 200 टेस्ट बड, 200 के लगभग टेस्ट बड इसमें होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं बैक ऑफ टंग के एंटीरियर हाफ जो है उसके ही पिछले हिस्से में, वी शेप में ये सेंसेशंस पाए जाते हैं। फंजी फॉर्म पेपिला जो है वो एंटीरियर सरफेस पर होते हैं, नियर टिप, ठीक है, टिप के पास। इसमें लगभग 10 टेस्ट बड होते हैं, कंटेन्स अप टू 10 टेस्ट बड। तीसरा जो है फिली फॉर्म पेपिला, जो कि डोर्सम ऑफ टंग, निचले हिस्से में, टंग के निचले हिस्से में, यहां बहुत कम टेस्ट बड पाए जाते हैं। ये देखिए, ये पार्ट जो अलग अलग हैं, ये टंग का जो डायग्राम हम देख रहे हैं, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये इंटीरियर है। यहां टिप पर हमें फंजी फॉर्म पेपिला मिलते हैं, आगे की तरफ ये इस हिस्से में सर्कमवेलेट पेपिला है, पीछे की तरफ टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल्स। तो एक जनरल सी जानकारी फिजियोलॉजी के बारे में हमें जरूर होनी चाहिए। उसके बाद टाइप ऑफ सेल इन टेस्ट बड्स, टेस्ट बड के अंदर जो सेल होते हैं, सपोर्टिंग सेल, बेसल सेल और गस्टेटरी सेल। इसमें जो गस्टेटरी सेल का रोल है वो ज्यादा होता है, क्योंकि इसके पास है लॉन्ग माइक्रोविलाई, लॉन्ग माइक्रोविलाई जिनमें होते हैं गस्टेटरी हेयर्स, ठीक है,
तो गस्टेटरी हेयर्स क्या करते हैं, टेस्ट पोर्स तक जो छिद्र है हमारी टंग के ऊपर, ये टेस्ट पोर हैं, यहां तक वो प्रेजेंट होते हैं, यहीं से वो टेस्ट का सेंसेशन लेकर के आगे नर्व को सप्लाई करते हैं। एफेरेंट फाइबर्स क्या होते हैं, जो संवेदनाओं को, सेंसेशंस को पर्टिकुलर किसी पार्ट से ब्रेन तक लेकर के जाते हैं। इफेरेंट क्या होंगे, जो वहां से मैसेज को लेकर के आएंगे, ब्रेन से मैसेज को लेकर के आएंगे। तो यहाँ जो एफेरेंट फाइबर है, क्योंकि टंग एक सेंसरी पार्ट है, तो एफेरेंट फाइबर्स जो है वो गस्टेटरी सेल के आसपास जुड़े हुए रहते हैं, गस्टेटरी सेल के ऊपर लिपटे हुए रहते हैं। और गस्टेटरी पाथवे, गस्टेशन, बार बार ये वर्ड आ रहा है गस्टेशन, इसका अर्थ क्या है, टंग से या टेस्ट से रिलेटेड है। तीन तरह की नर्व इसमें रोल प्ले करती हैं। पहला है कोर्डा टिम्पेनाई फाइबर्स ऑफ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व में आपको याद दिला दूं, 12 क्रेनियल नर्व में से 7वीं क्रेनियल नर्व है, उसका एक हिस्सा है, एक पार्ट है, उसका नाम है कोर्डा टिम्पेनाई। तो वो कोर्डा टिम्पेनाई के कुछ फाइबर्स जो है वो टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा है 9वें नंबर की क्रेनियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। तीसरा है वेगस नर्व, तीसरे नंबर की हमारी, सॉरी नंबर 10 क्रेनियल नर्व, 10वें नंबर की क्रेनियल नर्व जो है वो वेगस होती है, इसका भी टेस्ट में कुछ रोल रहता है। उसके बाद टेस्ट का पाथवे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर पूछा जाता है। इसमें आप क्या लिखेंगे कि जो केमिकल्स हैं वो स्टिमुलेट करते हैं गस्टेटरी सेल्स को, उनको कहते हैं टेस्टेंट, रिसेप्टर सेल के एक्टिवेट होने के बाद आप डायरेक्टली बताइए कि यहां होगा डीपोलराइजेशन, ठीक है, आयन चैनल्स का जो मेथड होता है, ये हमने सेल फिजियोलॉजी की एक क्लास ली थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, एक अलग लेक्चर है, उसमें हमने इन चीजों को पढ़ा था। डीपोलराइजेशन क्या होता है, तो डायरेक्टली डीपोलराइजेशन होगा, उसके बाद नर्व इम्पल्सेस जाएंगी 7th, 9th और 10th क्रेनियल नर्व के पास। उसके बाद यहां बनेंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। हमने पहले भी बात की थी कि मैसेज जो है वो लगभग 3 पार्ट में कन्वे होता है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में क्या होगा, जिस पार्ट में सेंसेशन है जैसे टंग में है, तो वहां से आगे नर्व तक, उस नर्व से आगे फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा है या थैलेमस तक, और थैलेमस से आगे फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक। तो ये 3 हिस्सों में संदेश जो है वो अलग अलग पहुंचता है। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या बनेंगे, कोर्डा टिम्पेनाई हो जाएगा, ग्लोसोफेरेंजियल हो जाएगा और वेगस हो जाएगा। ये सभी क्या करते हैं, एपी जनरेट करते, एपी मतलब एक्शन पोटेंशियल वहां पे पैदा करते हैं। एक्शन पोटेंशियल तो पैदा होगा ही, क्योंकि ये कैसा मैकेनिज्म है, केमिकल मैकेनिज्म है। पहली बात हमने जो की वो कैसा है, केमिकल मैकेनिज्म की बात की। उसके बाद सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन कहां बनेंगे, ये बनते हैं मीडियल लेमिनिस्कस में, या आप इसे कहें न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ये एक पार्ट है, ठीक है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक पार्ट है। तो वहां तक ये इंपल्स जाते हैं और वहां से आगे थैलेमस तक जाएंगे। थैलेमस इज द मेजर रिले सेंटर फॉर ऑल सेंसरी नर्व, क्योंकि तो यहां से वो सेंसेशन फिर आगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स पार्ट में चले जाते हैं। कहां पे जाएंगे, पेराइटल लोब में। आप सिर्फ इतना याद रखिए, कहां जाएंगे, पेराइटल लोब में, पेराइटल लोब में ये सेंसेशन जाते हैं। इस प्रकार से टेस्ट का जो काम है वो पूरा होता है।
ये चित्र के माध्यम से भी समझाया है कि अलग अलग जो नर्व हैं, ये नर्व अलग अलग पार्ट में टेस्ट बड्स के साथ जो केमिकल रिएक्शन होती है वहां से इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, और उन इम्पल्सेस को लेकर के 7th, 9th और 10th क्रेनियल नर्व आगे ब्रेन तक जाती हैं। पहले जाएंगी मेडुला ओब्लोंगेटा के न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस पार्ट में, और उसके बाद आगे थैलेमस में, और थैलेमस से आगे फिर पेराइटल लोब में। पेराइटल लोब कहाँ है? सेरिब्रम का पार्ट है। सेरिब्रम के अलग अलग लोब हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सेंसेशंस आगे जाती हैं। ये अलग अलग टेस्ट के बारे में बताया है कि अगर हमें कड़वा जो महसूस होता है, कड़वापन, वो टंग के पिछले हिस्से में है, ये खट्टा है यहाँ पर, ये नमकीन है, और जो मधुर रस है, स्वीट जो है, वो टिप ऑफ द टंग पर है। okay. इस प्रकार से हमने टंग की फिजियोलॉजी को पढ़ा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।